नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भारतवर्ष में तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में सदियों से लगा रहा है। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन पाप नाशक समझा जाता है और पूजन करना मोक्षदायक। पूजा हो, अनुष्ठान हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। तुलसी दल से पूजा करने से व्रत, जप, हवन या यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तुलसी दल हनुमान जी को भी भोग में अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की पूजा आराधना सेवा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिल जाती है। सुबह तुलसी में जल देना, शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है माना जाता है कि वहां वास्तु दोष नहीं होता। घर के उत्तर पूर्वी कोने में ही तुलसी के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें अपने घर में तुलसी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी जगह पर तुलसी का पौधा अच्छा नहीं पनपता है। साथ ही तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाएं। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। कभी भी अपवित्र हाथों, रविवार, चंद्र ग्रहण या एकादशी इत्यादि दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। बिना जरूरत के पत्ता तोड़ने से माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। रविवार और विशेष दिन छोड़कर नित्य सुबह तुलसी के पौधे को जल अवश्य दे। रोज शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे अक्षत रखना ना भूलें। दीपक को सीधे जमीन पर रखने से घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। कूड़ा, जूते चप्पल उसके आसपास ना रखें। संतान से वंचित दंपतियों को तुलसी नामास्त्र का पाठ जरूर करना चाहिए। संतान सुख, रिश्तों में अलगाव, विवाह में देरी इत्यादि में ये शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान करते समय नहाने के पानी में कुछ तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें तो इसे तीर्थ स्थान में स्नान करने के समान पवित्र माना जाता है। इससे मन प्रसन्न और कार्यों में सफलता मिलती जाती है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे की मिट्टी में 1 रुपये का एक सिक्का दबा दें। पूरे वर्ष धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तुलसी से संबंधित कुछ असरकारक उपाय। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो हर एक को आती हैं। खुद को बदनसीब समझकर कोसे नहीं, उसका समाधान ढूंढें। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। इन उपायों में से कोई भी उपाय आपका दुख दर्द दूर कर सकता है तो आप अवश्य आजमा कर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जब किसी की सोच स्पर्धात्मक ईर्ष्या और जलन से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर जैसे रुकावट सी आ जाती है। अचानक बिना कारण सब कुछ ठहर सा जाता है। व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसका कारण भी पता नहीं चलता। अगर कार्यों में निरंतर विघ्न बाधाएं आ रही हैं, बेचैनी मन को सताई जा रही है, कहीं भी मन नहीं लगता, जीवन नैराश्यपूर्ण लग रहा हो, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हो तो ये उपाय जरूर आजमाएं। तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में लें।
पीड़ित को लिटाकर उस बंद मुट्ठी से उसके सिर से पैर तक 21 बार वार ले। क्रिया करते समय भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करें। फिर वो काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें और तुलसी के पत्तों को हाथ से मसल कर निगलने को दें। तुलसी के पत्ते को चबाए नहीं, पीड़ित के पांव के तलवों को किसी कपड़े से 11 बार झाड़ दें। इस उपाय से किसी की बुरी नज़र लग गई हो, कोई बंधन डाला गया हो तो उससे मुक्ति मिलती है। एक और उपाय, अगर आप अपने घर में तुलसी युक्त पानी का छिड़काव करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है, उन्हें कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। इसके लिए उपाय करने के एक दिन पहले आप एक पात्र में थोड़ा सा जल लें, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डालकर ढककर रख दें। अगले दिन सुबह स्नानोपरांत पूजा से पहले आपको उस पानी से पूरे घर में छिड़काव करना है। घर के बाहर मेन गेट से लेकर अंदर तक दरवाजे पर घर के हर कोने में आप इस पानी से छिड़काव करें। ऐसा आप नियम ही बना लें और रोज से करें, सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिल जाएंगे। घर से कलेश कलह समाप्त हो जाएगी, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी, घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बन जाएगा, धन आगमन में आ रही बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। घर में छोटी छोटी जितनी भी परेशानियां थीं सब समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो सफलता पाना पूर्णतः आसान हो जाता है। बृहस्पति जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसी वजह से व्यक्ति कठिन से कठिन समय का आसानी से सामना कर सकता है। सफलता खुद ब खुद कदम चूमने लगती है और जिंदगी में खुशहाली भी आ जाती है। लेकिन चाहे आपकी कुंडली में बृहस्पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नानोपरांत पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर हल्दी या केसर से टीका लगाएं, फिर तुलसी की एक जड़ घर में ले आएं। घर में हमेशा एक से अधिक संख्या में तुलसी जरूर होनी चाहिए। जितने ज्यादा पौधे घर में होंगे उतनी ज्यादा खुशहाली और संपन्नता घर में होगी। जिस तुलसी की आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसकी जड़ आपको नहीं लेनी है। उस तुलसी से ना तो पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही उसकी जड़ लेनी चाहिए। जिस तुलसी के पत्तों का आप पूजा में भोग में उपयोग करते हैं उसी तुलसी की जड़ आपको लेनी है। बड़े आराम से आदर पूर्वक इसे निकालें, इसे शुद्ध जल से धोएं, उस पर गंगा जल छिड़कें, फिर भगवान विष्णु जी के सामने इसे पीले वस्त्र पर रखें, उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और उसी पीले वस्त्र में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रखें। दोस्तों, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आप उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मन में ये सकारात्मक भावना रखते हैं। इससे सारी परेशानियां दूर होने ही वाली हैं। इस जड़ को रखते समय भी इसी तरह की भावना मन में रखनी है कि स्वयं महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने आ रही हैं। निश्चित तौर पर दिनों दिन आपके घर में आर्थिक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव होते नजर आएंगे, धन आगमन के नए स्रोत खुलते नजर आएंगे। कर्ज में फंसे हो तो धीरे धीरे कर्ज मुक्ति की ओर आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे। और एक और उपाय, इसमें भी आपको चाहिए एक पौधा। जरूरी नहीं है कि वो तुलसी का ही पौधा हो, हमें चाहिए तुलसी की छत्र छाया में पला हुआ कोई भी पौधा। कई बार तुलसी के बीज गमले में गिरने की वजह से वहां दूसरी तुलसी का पौधा उग जाता है। अगर ऐसा पौधा मिले तो बहुत ही श्रेष्ठ है, ना मिले तो कोई भी पौधा, छोटी सी घास ही क्यों ना हो, तुलसी के गमले में तुलसी के नीचे उगी हुई हो चलेगी। उसे आप बृहस्पतिवार की सुबह स्नान आदि कार्योपरांत निकाल कर लाएं, उस पौधे को शुद्ध जल से धो लें, उस पर गंगा जल छिड़कें, उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और पीले वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है ये। तुलसी जितना ही श्रेष्ठ इस पौधे को भी माना जाता है, तो इसके उपाय से आपकी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी, धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। अगर आपके घर की तुलसी के नीचे कोई पौधा ना उगा हो तो अगर किसी मंदिर में तुलसी लगी हो उस तुलसी वृंदावन में उगा कोई भी पौधा आप ला सकते हैं। तो स्नान आदि कर पीला वस्त्र साथ लेकर जाएं और उसमें उस पौधे को लपेटकर आदर पूर्वक ले आएं, जैसे आप लक्ष्मी जी को ही घर ले आ रहे हो।
कोई भी आर्थिक समस्या हो आपकी, कहीं पैसे फंसे हो, नौकरी व्यवसाय ठप पड़ा हो, कर्ज चुका नहीं पा रहे हो, हर कार्य में सिर्फ नुकसान ही देखने को मिल रहा हो, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो, इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करने से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये पौधा धन को आकर्षित करता है, धन के नए नए स्रोतों को खोलता है, आपको आर्थिक स्थिरता दिलाता है, तो आप जरूर इस उपाय को आजमाएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।